आज मैं आपको पढ़ाता हूँ अफेक्ट और इफेक्ट के दरमियान फ़र्क और इनकी मायनी में फ़र्क। यहाँ बोर्ड पे देखते हैं, अफेक्ट की मायनी असर अंदाज होना और इफेक्ट की मायनी असर। मिसाल के तौर पर पढ़ने में तो ये भी अफेक्ट है, ये भी अफेक्ट है, मीनिंग में वाज़ेह फ़र्क है। यहाँ असर अंदाज होना, यहाँ पर सिर्फ असर। अब अफेक्ट को अफेक्शनेट अगर हम करते हैं तो इसकी कुछ और मायने हैं, लेकिन हम पहले ये पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ही वॉज विजिबली अफेक्टेड बाई द ट्रेजिडी, वाकये से वो ज़ाहिरी तौर पर यानी बिल्कुल वो नज़र आ रहा था कि वो किसी भी ट्रेजिडी किसी भी अलमिये से मुतासर हुआ था, उस पर वो वाकया असरअंदाज हुआ था। उसी बिल्कुल इसी तरह अफेक्ट की मायने असर, वो कैसे, अ चेंज विच इज रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन। अफेक्ट असर जो किसी भी एक्शन का कंसिक्वेंस हो, नतीजा हो या रिजल्ट हो, तो वो किस तरह, द वर्स अफेक्ट ऑफ ड्रग्स। अब वर्स बदतरीन, बदतर जो अफेक्ट है असर है ड्रग्स का, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉयज द यूथ। अब कह रहे हैं कि जो ड्रग्स हैं उनका जो बुरा असर है वो जवान नौजवानों को या जवानों को तबाह करता है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ कोविड हैज पैरालाइज्ड वर्ल्ड इकॉनमी, यानी जो कोविड 19 का जो असर हुआ, कोविड 19 का जो असर है दुनिया के ऊपर, वो ये है कि उसने पूरी दुनिया की मईशत को पैरालाइज किया या मफलूज करके छोड़ दिया। अब अफेक्शन, इसको फिर लेते हैं थोड़ा सा, अफेक्शन, अफेक्शन इसके उर्दू में मायने हो सकती है शफकत, शफकत या तर्स, खुदा तरसी, तर्स या किसी के लिए, इसका शफकत की किसी के लिए रहमाना सोच रखना, अफेक्शन, शफकत, मेहरबानी या खुदा तरसी या किसी के लिए अच्छी सोच रखना, इसको कहते हैं अफेक्शन, रहम, शफकत। आप ये कह सकते हैं द अफेक्शन, द अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स इज अनराइवल्ड, ये इसका कोई सानी नहीं है। जो जो शफकत वालिदैन का होता है उसका कोई उसकी कोई सानी नहीं है। या इसकी कोई और मिसाल भी हम ले सकते हैं, नंबर टू, योर अफेक्शनेट, अफेक्शनेट बॉस इज रियली जेनेरस, GENEROUS, जेनेरस। Now, two examples of affection. The affection of parents is unrivaled, या matchless। जो वालिदैन का रहम है या शफकत है उसका कोई दूसरा नेमुल बदल कोई सानी नहीं है। उसके बाद है your affectionate boss is really generous। आपका शफीक बास बहुत ज़्यादा या बिल्कुल या हकीकत में बहुत एक सखी इंसान है, यानी वो आपके साथ बहुत ज़्यादा शफकत करता है। तो ये अफेक्ट एंड अफेक्ट स्पेल आर डिफरेंट, साउंड इज द सेम, मीनिंग इज अ लिटिल बिट द डिफरेंट, बट द अफेक्शन हैज अ टोटली डिफरेंट मीनिंग इट हियर। ओके, थैंक यू, आई होप यू गॉट एवरीथिंग, बट इफ स्टिल देयर इज समथिंग नॉट क्लियर फॉर यू वेरी मच, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई कमेंट बार। थैंक यू वेरी मच।